हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SBIPO मेंस के पहले सेट के दूसरे पार्ट के सॉल्व से। ठीक है, आज जो है हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने 21 तक का सॉल्यूशन देख रखा था। ठीक है, आज जो है हम लोग 22 से बात करेंगे। 21 तक के बताने के दरमियान में मैंने एक सवाल 16 नंबर जो है छोड़ दिया था, उसको भी साथ में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी के सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल पहला क्या है, ये देखो क्या बोल रहा है। रचित बाऊ का टोटल 10 फ्रूट पाइनएप्पल एंड स्वीट टाइम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, पाइनएप्पल और स्वीट टाइम मिला के रचित टोटल 10 फ्रूट खरीदता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ही फाउंड दैट ही रिक्वायर 1 पाइनएप्पल लेस टू एक्सट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ जूस एज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्वीट टाइम। ठीक है, एक पाइनएप्पल क्या चाहिए, उसे कम चाहिए। टोटल तो भैया 10 फ्रूट ही है, एक पाइनएप्पल कम जब चाहिए तुम्हारा, तो 5 हमारा पाइनएप्पल ले लेते हैं, 5 हमारा स्वीट टाइम ले लेते हैं। तो तुम्हारा क्या बोला है सवाल, मैन ही फाउंड दैट ही रिक्वायर्ड 1 पाइनएप्पल लेस, मतलब 4 पाइनएप्पल ही चाहिए जब वो 5 लेमन का निकाल रहा होगा। ठीक है, मतलब 5 लेमन का जूस जो है 4 पाइनएप्पल की दूसरी क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा हमारा। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ रचित हैज यूज्ड द सेम नंबर ऑफ स्वीट लाइम टू मेक द ब्लेंड। ठीक है, जितना स्वीट लाइम और सेम नंबर ऑफ पाइनएप्पल लेने अगर लेके ब्लेंड बनाता, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पाइनएप्पल जूस इन द ब्लेंड। पाइनएप्पल की मात्रा को कौन बताएगा, ये तुम्हें बता रहा। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो कि तुम्हें क्या बोला, सेम मात्रा में 5 लीटर लाइम भी और 5 लीटर क्या लेना है तुम्हें, पाइनएप्पल भी लेना है। तो जब 5 लीटर तुम लाइम लोगे, यहाँ पे 5 लीटर पाइनएप्पल, तुम्हें बताना क्या है, पाइनएप्पल की क्वांटिटी की तुम्हें रेशियो बतानी है। ठीक है, मतलब पाइनएप्पल का परसेंटेज बताना है। तुम यहाँ देखो 5 लीटर का जो लेमन है वो किसके बराबर है, 4 लीटर पाइनएप्पल के बराबर है। यहाँ पे 4 लीटर और रेशियो में क्या कर दो, 5 लीटर कर दो। ठीक है, टोटल अब तुमसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ पाइनएप्पल। ये तुम्हारा लेमन ही था, ठीक है, लाइम ही था, और एक्चुअली में पाइनएप्पल को जो बता रहा है वो ये वाला पार्ट बता रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से पीपी एलिमिनेट हो जाएगा, तुम्हें क्या बताना है, पाइनएप्पल का ही बताना है। पाइनएप्पल कितना है, 5, आउट ऑफ टोटल 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और गुने में क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया, 500 बटे में लाइन। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यही तुम्हें देगा 55.55। इसी तरीके से जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 55.56% लिखेंगे, और इस सवाल का आंसर जो है वो यही है, 55.56%। तो आसान सवाल था, चलते हैं आगे। आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो DI है हमारा, DI-22 से लेके आगे देखो। ठीक है, चलो तो DI में क्या बोल रहा है, सबसे पहले DI को समझते हैं। DI में क्या दिए हुआ है, DI में जो दिए हुआ है कुछ डिटेल दिए हुआ है। द बार ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ हंसराज कॉलेज। ठीक है, बार ग्राफ जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हंसराज कॉलेज से है, वो पास द सेमेस्टर एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिविजन, फेल और टोटल नंबर का तुम्हें जो है ये बार ग्राफ दिए हुए। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, टोटल नंबर जो पास किए थे वो कौन कौन से मिला के होते हैं, फर्स्ट डिविजन, सेकेंड डिविजन और थर्ड डिविजन वाले मिला के होते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट में जो है उसकी हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन वाले और फेल वाले जो है इन सबको ऐड करके उस डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं ये हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे देखो फिजिक्स का दिए हुआ है, फर्स्ट दिए हुआ तुम्हारा क्या, जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, जो कि फिजिक्स में कितना है, 50 है। 8% जो फिजिक्स में बता रहा है वो किस चीज को बता रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, जो फेल हुए थे उसका। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमारा, 225, यानी कि टोटल हमारा 225 पे 8% क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है, अब देखो पहला सवाल क्या, पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला में बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट कंबाइंड टू पास द सेमेस्टर, जो पास किए थे उनकी में निकालनी है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, पास का निकालना तुम्हारे लिए क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कैसे टफ हो जाएगा, सबसे पहले तुम हर एक का फेल निकालोगे, फेल निकालने के बाद फिर तुम फेल को टोटल में घटाओगे तब तुम्हारा पास निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फेल का परसेंटेज निकाल लेंगे और उसका 100% का माइनस कर देंगे, पास का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ए का देखो तुम्हारा सबसे पहले क्या क्या दिए हुए तुम्हारा हर एक डिपार्टमेंट में, जब तुम आओगे तो तुम्हारा कितना है, फिजिक्स में है 225, जिसका क्या है 8% जो है क्या हुआ होगा, फेल कर गया होगा तुम्हारा। फिर आओ आगे 180, इसका कितना परसेंट फेल कर गया, 15% फेल कर गया। ठीक है, फिर आधा तुम्हारा 300, 300 का कितना परसेंट फेल कर गया, 300 का 18% फेल कर गया। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, फिर आ गया 120, 120 का कितना परसेंट फेल कर गया, 5% फेल कर गया। ठीक है, फिर आधा तुम्हारा 150, 150 का कितना परसेंट फेल कर गया, 150 का 12% फेल कर गया। ठीक है, डेढ़ यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 25 से काट दो इसे, 25 से कट जाएगा तुम्हारा 9 बार में,
25 से कट जाएंगे चार बार में, चार गुना आठ, नौ गुना कितना निकल गया 18 प्लस में जीरो जीरो खत्म, 18 गुने 15 करोगे तो 15 गुने 18 तो 270 देगा, एक जीरो और खत्म हो जाएगा यानी कितना हो गया 27, डबल जीरो खत्म 18 3 54, यहाँ से आ जाओ तुम यहाँ पे एक जीरो खत्म 12 गुने 5 कितना होगा 60, जो कि तुम्हें क्या कर देगा 6 एक जीरो कैंसिल, 15 गुने 12 180 होता है, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ गया कितना 18। अब लिटरली हमें क्या करना है, ये जो हमारा निकला है किस चीज का निकला है, फेल का निकला है, जब इसे ऐड करेंगे तो 18 27 54 सारा ऐड होकर क्या देगा हमारा 123, इतने बच्चे जो है वो क्या हुए थे फेल हुए थे, तो परसेंटेज अब क्या निकालना है हमको फेल निकालना है, तो परसेंटेज फेल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना होगा, टोटल कैसे निकलेगा हमारा 225 180 300 120 और 150 को जोड़ के निकलेगा हमारा, जो कि जोड़ने के बाद हमें टोटल जो देगा वो टोटल कितना निकल के आ जाएगा हमारा 975 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज फेल निकालोगे तो देखो 123 है, यहाँ पे 975 गुने में कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम थोड़ा सा ध्यान दो, 25 से ये कट जाएगा आसानी से, 25 से ये कटेगा 36 और 3 कितना 39 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से 13 बार में, 3 से 4 हो रहे 41 बार में, यानी कितना निकल के आ गया 4 और 16 और बटे में क्या हो गया तुम्हारा 13 हो गया, ठीक है। जब तुमने इसे यहाँ पे भाग दे दिया तो अब तुम यहाँ से देखो इसमें तुम भाग दोगे तो 13 से सबसे पहले एक बार में तुम्हारा जो है 13 कट जाएगा, ठीक है। तो 13 जब एक बार में कट गया तो तुम्हें 3 बचा जो कि यहाँ पे 34 हो जाएगा, 13 दूना तुम्हारा क्या लगेगा 26 लगेगा, 26 जब तुमने लगा दिया यहाँ पे तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या हो रहा था 34 हो रहा था, 26 यानी कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 जब बच गया तो 13 से 8 जब तुम लाओगे तो 6 बार में तुम्हारा क्या देगा 78 यानी कि 6 लग गया। आगे अब ज्यादा करने का जरूरत नहीं, ये तुम्हारा क्या निकल गया परसेंटेज फेल निकल गया, तो परसेंटेज जब पास में आओगे तुम तो परसेंटेज पास में तुम क्या करोगे 100 माइनस में 12.6 कर दोगे, 100 माइनस में जब तुम 12.6 करोगे तो ये तुम्हें देगा 87.4%, ठीक है। कितना देगा 87 में, ऑप्शन में तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 87.38% तुम्हारा इससे नजदीकी है, दो डेसिमल लिया तुम्हारा मन तो ले लो, तो इतना से पता चल रहा है कि 87.4 लगभग में वही आने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87.38%। अगला सवाल देखो क्या है, अच्छा इस सवाल में ना एक चीज ध्यान में रखना, अभी मैंने बताया था कि जब एक कोई भी डीआई में अगर कोई तुम कैलकुलेशन करो ना या समेशन करो कोई भी बड़ा बड़ा चीज को जोड़ो तो उसको ध्यान में रखो या नोट डाउन करके रखो एग्जाम में, कि ताकि आगे अगर तुम्हारा कभी जरूरत पड़े वहां पे तो तुम उस चीज को दोबारा यूज कर सकते हो। यहाँ पे तुमने अभी टोटल निकाला था 225 180 300 120 150 को जोड़ के जो कि कितना निकल के आया था 975 निकल के आए थे, तो इसे ध्यान में रखना, अगर किसी सवाल में जरूरत पड़ा तो हम लोग डायरेक्ट उसको रख देंगे, नहीं जरूरत पड़ा तो कोई बात नहीं भैया, ठीक है। चल आगे देखो क्या अगला, देखो क्या बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो पास्ड द एग्जामिनेशन विद सेकंड और थर्ड डिवीजन, सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले कैसे निकलेंगे, फर्स्ट डिवीजन वाले और फेल वाले को घटा दो तो सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा देख लो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, फिजिक्स है और मैथ है तुम्हारा, तो फिजिक्स में अगर तुम चर्चा करोगे तो फिजिक्स में फेल वाला कितना है सबसे पहले ये देख लो, फिजिक्स में तुम्हारा फेल वाला तुम्हें दिख रहा होगा 225 का 8% है, ठीक है। तो 225 का क्या लिख दो 8/100 लिख दो, ठीक है। फिर आगे मैथ में आ जाओ, मैथ में अभी तुमने थोड़ा देर पहले इसे सॉल्व करा था 25 से कितना बार में 9, 25 से 4, 4 दुना 8, 9 दुना कितना निकल गया 18 फेल हुए थे। मैथ में आ जाओ, मैथ में कितना है 300 है, 300 का 18% अभी निकाला था तुमने, कितना निकाला था 54, यानी कि ये हमारे क्या हो गए फेल वाले हो गए। फिर उसी तरीके से अभी तुमने तुम्हें क्या बोला था सवाल में कि डिफरेंस निकालना है सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन वाले, फिजिक्स और मैथ में जो बच्चे हैं उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो टोटल तुम्हारे पास है 225, ठीक है, जिसमें 18 स्टूडेंट फेल हो गए, 50 स्टूडेंट जो है तुम्हारे फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, तो जब घटा दोगे तो घटाने के बाद कितना मिल जाएगा तुम्हें 157 मिल जाएगा, कितना मिल गया 157। फिर तुम अदर इसमें इसमें तुम्हारे पास टोटल जो है वो कितने हैं, तुम्हारे पास टोटल 300 है, ठीक है, 300 टोटल हो गए तुम्हारे पास, फेल वाले 54 हो गए, फर्स्ट डिवीजन से जो पास किए थे वो थे तुम्हारे कितने 72,
घटा दो इसे, घटाने के बाद ये तुम्हें देगा 174, ठीक है। कितना मिल गया तुम्हें घटाने का, 174। जब तुमने इसे घटा दिया तो 157 और 174 का डिफरेंस कितने का है, 174 में 157 घटा दो, शायद तुम्हारा 14 आ जाएगा। और यही तुम्हारा आंसर है कि इन दोनों का जो डिफरेंस पूछा है सवाल में, वो डिफरेंस कितने का, सॉरी 17 आ जाएगा, 17। इन दोनों में डिफरेंस जो पूछा है वो डिफरेंस कितने का तुम्हारा, 17 का है, और यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगला सवाल में, फाइंड द, सॉरी, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द जूलॉजी डिपार्टमेंट हु पास द एग्जामिनेशन विद सेकंड डिवीजन एंड द स्टूडेंट इन द सेम डिपार्टमेंट हु पास विद थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन का थर्ड डिवीजन से जो रेशियो है 16:25 है, सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ जो रेशियो है वो कितना है, 16:25, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, then find the ratio of the number of students who failed in zoology and the number of students who passed with second division, जो फेल किए और जो पास किए सेकंड डिवीजन से, तुम्हें इसका रेशियो बताना है, ठीक है। इसका रेशियो तुम सबसे पहले सेकंड और थर्ड वाले में, तुम्हारे सेकंड और थर्ड वाले में तुम पहुंचोगे। तो जूलॉजी का कंडीशन तुम देखोगे तो जूलॉजी में देखो तो कितना है तुम्हारे टोटल, 120 स्टूडेंट है जिसका 5% जो है तुम्हारा फेल कर गया, 120 का 5% कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले कौन कौन हो जाएंगे, 6 फेल कर गया, ये 32 तुम्हारे क्या हो गए, इधर थे, ठीक है। तो 32 जब तुम्हारा इधर था तो यहाँ से जब तुम घटाओगे तो 6 और 38 हो जाएगा, 38 में जब ये चला जाएगा 40 और 82, ठीक है, यानी कि घट के कितना है 82, यही तुम्हारा बटा हुआ है 16:25 कितना में, 25 में। साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा 16:25 जोड़ के कितना होता है 41, 41 गुना कितना होता है 42, यानी 16 का रेप्लिकेट कौन करेगा 32 और 25 को कौन बताएगा 50, ठीक है। यानी 50 बच्चे ऐसे हैं और 32 बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से पास हुए थे। तो तुम्हें अब देखो किसका रेशियो बताने के लिए बोला है, तुम्हें बोल रहा है रेशियो बताने के लिए सेकंड डिवीजन वाले का, सॉरी फेल वाले का सेकंड डिवीजन के साथ। तो फेल वाले हो गए कितना 6, सेकंड डिवीजन वाले हो गए कितना 32, काट दो यहां से, 2 से काट दो 3 बार में, 2 से काट दो 16 बार में, रेशियो कितना आ गया 3:16, और ये हमारा आंसर है इस सवाल का, 3:16 कितना 16। क्लियर है बात, आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन हंसराज कॉलेज 1560, टोटल जो स्टूडेंट है हंसराज कॉलेज में वो कितने हैं 1560 है, तो बोल क्या रहा है सवाल में, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 5 गिवन डिपार्टमेंट टुगेदर विथ रिस्पेक्ट टू, जो पांचों में पढ़ रहे हैं उसका परसेंटेज बताना है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। देखो अभी तुमने, अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले सवाल में तुम्हें बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तुमने एक बार जोड़ रखा है तो उसे ध्यान में रखो या नोट डाउन करके रख लो रफ शीट पे, ठीक है। तब कि आगे अगर कहीं आए तो उसको डायरेक्ट कर लो, फिर से दोबारा जोड़ने में टाइम दो, यहाँ पे फिर आ गया टोटल के साथ 1560 का परसेंटेज बताना है। तो टोटल हमारा जोड़ के कितना आया था 975 आया था, इसको 1560 के साथ रेशियो कर दो और गुने में क्या कर दो 100 और यहाँ से परसेंटेज लगा दो, सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 62.5%, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला में देखो क्या बोल रहा है, इन इंग्लिश डिपार्टमेंट इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द सेमेस्टर एग्जामिनेशन विद द फर्स्ट डिवीजन इज 3:2, जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे इंग्लिश में उनका रेशियो दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का, गर्ल्स टू बॉयज दिया हुआ है 3:2 में। इंग्लिश में देखो तो टोटल 20 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे जिसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया हुआ है 3:2 में, 3:5 का मान 20 के बराबर, तो 1 का मान कितना के बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया गर्ल्स 12 और ये कितना हो गया 8, बॉयज 8, ठीक है। फिर क्या बोला सवाल में, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हु पास द सेमेस्टर विद सेकंड और थर्ड डिवीजन इज 15:3, मतलब सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से जो पास किए उनकी रेशियो कितनी है 15:13 कितना है 13 है, ठीक है। अब देखो सवाल में तुम्हें क्या बोल रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन इंग्लिश डिपार्टमेंट हु पास द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, लड़कों की संख्या बतानी है, एग्जाम क्या दिया है द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज हु पास द सेमेस्टर विद सेकंड और थर्ड, सॉरी ये जो है
ये गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिए हुए है, किस रेशियो में है, 15:3 में है, 30 में है, किसका किसका है, सेकेंड और थर्ड वाले, ठीक है, सेकेंड और थर्ड मिला के जो है उनका रेशियो दिया हुआ है 15:1, तो आसानी से निकल जाएगा हमारा सेकेंड और थर्ड वाले। किस डिपार्टमेंट में बात किया है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में बात किया, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में देखो तुम्हारा इंग्लिश डिपार्टमेंट में सेकेंड डिवीजन वाला और थर्ड डिवीजन वाले कैसे निकलेगा, 150 का 12% पहले निकाल दो, ठीक है, तो 150 का जब तुम 12% निकालोगे तो 150 का 12% तुम्हें 18 निकल के आ जाएगा, ठीक है, मतलब 18 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे, तो 150 में तुम 18 घटा दो और 20 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हुए होंगे तुम्हारा, 150 में 18 का चला गया, 20 बच्चे क्या होंगे तुम्हारे जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, 20 10 20 और 38 40 चला गया, यानी कि कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है, 100 कितना आ गया हमारा, 12 आ गया, जब 112 हमारा आ गया तो अब यहाँ पे ये सेकेंड और थर्ड डिवीजन वाले हैं, तो 15 और 3 कितना हो गया, 28, 28 का मान जब 112 के बराबर है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 से काट देते हैं 80 और 32, 112 बार में कट गया, ये खत्म हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम 13 का मान निकालेंगे तो 13 का मान क्या हो जाएगा, 13 × 4 कितना होता है हमारा, 15 होता है, ठीक है, हमसे सवाल में पूछ क्या रखा है, सवाल में पूछ रखा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन इंग्लिश डिपार्टमेंट हु पास द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उन बच्चों उन लड़कों की संख्या बतानी है जो सेमेस्टर पास किए थे, तो सेमेस्टर कौन कौन से में पास होता है, फर्स्ट में भी पास होता है, सेकेंड एंड थर्ड में भी पास होता है, सेकेंड एंड थर्ड में बॉयज की संख्या 52 है, यहाँ पे कितनी है तुम्हारी, 8 है, तो तुमसे इसी का वैल्यू पूछा है, 52 + 8 जो की कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है 60, ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा समाप्त हुआ डीआई का। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पजलिंग सवाल है जिसको क्या बेस्ट टेक्निक होगा सॉल्व करने का, ये देखना है, ठीक है, तो अगला पार्ट, अगला सवाल क्या है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग का अगला सवाल है हम लोग का 27 नंबर, ठीक है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको दबा के शेयर करो, ठीक है, अपने जितने भी ग्रुप्स वगैरह है उन तक सबको पहुंचाओ, सबको थोड़ी बहुत बेनिफिट मिलनी चाहिए, ठीक है, आगे देखो क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, देयर आर 21 कार्ड्स इन अ बैग विद डिफरेंट नेचुरल नंबर रिटन ऑन ईच ऑफ देम, 21 कार्ड है उसमें लेकिन सीरियल ऑर्डर में नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द कार्ड विद नंबर ग्रेटर देन 17 बट लेस देन 23, मतलब हमें उसका एवरेज बताना है जो 17 से 23 के बीच में जो आते होंगे कार्ड्स, उन कार्ड्स का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। अभी हम कैसे बता सकते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड हैज अ नंबर ग्रेटर देन 22, अगर प्रोबेबिलिटी जो पहला स्टेटमेंट दिया है तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्या, नंबर जो है वो क्या हो, 22 से बड़ा हो, ठीक है, तो 22 से ग्रेटर देन 22 जब अगर हो नंबर, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 2/3, तो टोटल कार्ड्स हमारे कितने हैं, 21, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना, ऊपर भी 7 से गुना, तो 7 गुना कितना हो गया, 14, मतलब 22 से जो बड़ा होगा वो कितने कार्ड्स होंगे हमारे, 14 कार्ड्स होंगे, ठीक है, फिर पहला स्टेटमेंट, अभी हमारा इनके बीच का कार्ड कौन कौन सा है नहीं पता चला, फिर आगे आओ दूसरा स्टेटमेंट में, फिर बोल रहा है प्रायोरिटी सिलेक्टेड कार्ड हैज अ नंबर लेस देन 18 इज 1/7, मतलब नंबर जो है वो अगर 18 से छोटा है, ठीक है, नंबर जो है वो क्या है, 18 से छोटा है, उसकी प्रायोरिटी दी हुई है 1/7, इसको भी 21 बनाने के लिए क्या कर दोगे, 3, यानी कि 3 कार्ड ऐसा होगा जो कि क्या होगा, 8 से छोटा होगा, और 14 कार्ड जो होगा, 14 कार्ड ऐसा होगा जो कि क्या होगा तुम्हारा, 22 से बड़ा होगा, ठीक है, तो 22 से बड़े वाले 14 कार्ड हो गए, 18 से छोटे वाले कितने कार्ड हो गए, 3 कार्ड हो गए, तो यहाँ पे तुम देखो इस ग्राफ में 17 कहने का मतलब क्या, 18 से छोटा मतलब क्या, 18 से इधर वाला खत्म हो गया तुम्हारा, अब 22 से अधिक कहने का मतलब क्या, 22 से इधर वाला खत्म हो गया, यानी कि 14 3 अगर 17 कार्ड हमारे चूज हो गए तो टोटल 21 कार्ड में 17 कार्ड चला गया, तो 4 कार्ड जो है वो कहाँ लाई करेंगे, इसके बीच में लाई करेंगे, इसके बीच में नंबर कौन कौन से है तुम्हारे देख लो, तो 19 20 21 22, ठीक है, और 18, ठीक है, इतना नंबर तुम्हारा यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कौन कौन सा है, 18 19 20 21 22, क्योंकि 18 से छोटा वाले जो है वो क्या है, 3 नंबर कार्ड है हमारे पास, तो हो सकता है कि इसके बीच में 18 भी आ जाए, 22 से अधिक वाले जो है वो कितने कार्ड है, 14, तो 22 से अधिक 23 वाला खत्म हो गया, तो ये दोनों जब खत्म हो गया, इतने 5 कार्ड है हमारे पास, अब इसी में से, इसी 5 में से जो है कोई भी 4 हो सकता है, और उसी 4 का हमको क्या करना है, एवरेज
जब तक कि ये चार सेलेक्ट ना हो जाए तब तक हम एवरेज नहीं बता सकते हैं। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट से हम लोगों को कुछ हासिल नहीं, एवरेज बता ही नहीं सकते हम, ठीक है। फिर देखो तीसरा में क्या बोल रहा है, द कार्ड नंबर ग्रेटर देन 17 बट लेस देन 23 आर इन एपी। तो भैया एपी कहने का मतलब क्या, एक सीरीज में बार रहा हूं, एक ही सीरीज में हो रहा है, तो दो चीज हो सकता है हमारा तीसरा स्टेटमेंट से, हमारा दो चीज आ सकता है कि 18-19-20 और क्या होगा 21 होगा, या फिर 19-20-21 और क्या होगा 22 होगा। ये दो पॉसिबल पेयर बन सकते हैं जो कि एपी में है, इससे भी फिक्स नहीं है हमारा, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है, देयर इज अ कार्ड विद नंबर 21, उसमें कार्ड 21 नंबर है, दोनों में है भैया 21। चारों स्टेटमेंट के मदद से हमारा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए इस सवाल का आंसर जो है हम लोग चारों स्टेटमेंट का यूज करके भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इस तरीके का सिर्फ एनालिसिस करने का सवाल है, और SBIPO से उसका नाम ही है डेटा एनालिसिस, इसी टाइप का सवाल वो पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट में बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट का है, और तुम्हें बताना है कि किससे आंसर दे सकते हैं या क्या है, ठीक है, जो भी है। अब आगे देखो क्या बोला है, ए पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक अगेन विदाउट एनी हॉल्ट, पी से क्यू जाता है और बिना किसी हॉल्ट के वापस आ जाता है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो बोथ द वे बाय कार, ठीक है, दोनों ही तरफ अगर कार से जाएगा तो कितना समय लेगा ये बताने के लिए। नोट में कुछ दिए हुए, द स्पीड ऑफ पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉन्स्टेंट, नो मैटर इन विच डायरेक्शन इट ट्रेवल्स, मतलब कॉन्स्टेंट है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, कहीं पे स्पीड घटता और बढ़ता ऐसा कुछ नहीं होता इस तरह, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 30 घंटे लगते हैं, टेक्स 30 आवर इफ ट्रैवलिंग फ्रॉम P2 पॉइंट Q बाय बस एंड रिटर्निंग बाय कार। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई डी डिस्टेंस है हमारा, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, कोई डी डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, और ये डी डिस्टेंस जो है हमारा बस से चल जाता है और आता जो है कार से, और कितना समय लगता है 30 आवर, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारा कि डिस्टेंस जो है डी पी से क्यू के बीच का वो कितना है 745 डिस्टेंस निकल गया। तीसरा स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि जब एक मैन कैन सेव 2 आवर इफ इट ट्रैवल्स बोथ द वेज बाय बस एज कंपेयर टू ट्रैवलिंग बाय कार ऑन द वन साइड एंड रिटर्निंग बाय बस, ठीक है, मतलब 2 घंटे वो बचा सकता है किससे, जब वह एक तरफ कार से जाए और एक तरफ बस से आए उससे 2 घंटे, तो एक तरफ कार से एक तरफ बस से 30 घंटे लगते, 2 घंटा बचाया, यानी क्या लगेगा 28 घंटे लगेंगे। कब 28 घंटे लगेंगे, जब वो जाएगा भी बस से आएगा भी बस से, जाने में लगा समय डी बाई बी, आने में भी यही लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2DB हो जाएगा, 2 से काट दो ये कितना हो जाएगा 14 जब हो गया यहाँ पे, तो डी बाई बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर रखेंगे तो डी बाई सी कितना निकल के आएगा, 30 में 14 घटा दो क्योंकि क्या हो जाएगा तुम्हारा 16, 30 में 14 चला गया कितना निकल के आ गया 16 निकल के गया। जब 16 तुम्हारा निकल गया तुम्हारा यहाँ पे, तो अब तुमसे क्या बोला था सवाल में कि तुम्हें बताना है कि दोनों तरफ कार से जाएंगे तो कितना लगेगा, तो दोनों तरफ का मतलब क्या, इधर भी 2 से गुणा कर दो इधर भी 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 32 आवर आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो हमारा जो आंसर निकला वो किसके किसके हेल्प से निकला, 103 के हेल्प से निकला। देखो सवाल में पूछा क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज रिडंडेंट टू फाइंडिंग द आंसर, रिडंडेंट का मतलब क्या है, किससे हमारा आंसर नहीं आ सकता, तो पहला और तीसरा से हमारा आंसर आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, 2 से नहीं आ रहा, तो एक हमारा क्या है रिडंडेंट है, ओनली 2 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल क्या है, अमित गोस टू अ मॉल टू बाय अ माइक्रोवेव, ठीक है, अमित कहां जा रहा है, एक मॉल में जा रहा है, क्या लेने के लिए, माइक्रोवेव लेने के लिए, ठीक है। माइक्रोवेव जब लेने के लिए गया तो ये बार्गेन्स 10% डिस्काउंट ऑन माइक्रोवेव एंड वॉशिंग मशीन लेने के लिए जा रहा है, ये बार्गेन्स फॉर अ 10% डिस्काउंट ऑन द वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन पे 10% का क्या चाहते मांग रहा है वो डिस्काउंट मांग, ठीक है, माइक्रोवेव पे जो है, माइक्रोवेव पे जो मांगा वो 25% का डिस्काउंट मांगा, ये कौन मांगा, अमित मांगा, ठीक है, शायद उसे मिल भी गया होगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, However, the shopkeeper by mistake interchanged the discount percentage figure while making the bill and Amit paid accordingly. और जब shopkeeper bill बनाया, मतलब क्या है? Shopkeeper के according, ठीक है? Shopkeeper के according वो क्या किया? Discount percentage को change कर दिया, washing machine पे 25% कर दिया और microwave पे क्या कर दिया? 10% कर दिया, ठीक है? फिर देखो तुम्हें क्या बोल रखा है? और इसके बाद जब ये change किया तो अभी इसके according पैसा भी दे दिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है?
सीपी ऑफ माइक्रोवेव इज 100, माइक्रोवेव का जो प्राइस है वो कितना है 100 रुपया है, ठीक है। फिर बोल रहा है वॉशिंग मशीन का कॉस्ट जो है 60% ऑफ माइक्रोवेव, तो सिंपल है 60 रुपीज हो जाएगा यहाँ पे माइक्रो वॉशिंग मशीन का। फिर क्या बोला सवाल में देखो, फ्रॉम द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन था जिससे हम लोगों ने ये सारा डिटेल निकाला, इसके मदद से, ठीक है, इसके मदद से हम लोगों को कौन कौन सा सवाल सॉल्व हो सकता है ये देखो। पहला क्या बोला, देखो इसमें क्या ना, इसमें तुम ज्यादा कुछ सॉल्व करने का कोशिश मत करना, सिर्फ एनालिसिस करने के लिए तुम्हें ये सवाल दिया गया है, ठीक है। पहला क्या पूछा है, व्हाट ही शुड पे फॉर हिज परचेस, कितना वो पे करेगा, आसानी से बता सकता है, 60 का 25% कम, 100 का 10% कम, दोनों को जोड़ देंगे निकल जाएगा, पहला स्टेटमेंट निकल गया हमारा, ठीक है, कितना पे करेगा यही पूछा है सवाल में। फिर देखो दूसरा, द एक्चुअल अमाउंट पे बाय, अभी व्हाट ही शुड पे फॉर हिज परचेस, ठीक है, अच्छा सॉरी, ये बोला है पहला में कि कितना वो पे करता अपने परचेस के लिए, तो ठीक है 60 का 10% कम, 100 का 25% कम, ये वाला निकाल देना। सेकंड में क्या बोला है, पहला निकल जाएगा, सेकंड में क्या बोला है, द एक्चुअल अमाउंट पे बाय अमित, अमित ने एक्चुअली कितना पे किया था, अमित ने ये 25% और 10% डिस्काउंट परसेंटेज बदल के पे किया था, ये भी निकल जाएगा, 60 का 25% कम निकाल दो, 100 का 10% कम निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, निकल गया हमारा, ठीक है। फिर तीसरा देखो, व्हाट परसेंटेज डिड अमित पे एक्स्ट्रा, अमित ने कितना परसेंट एक्स्ट्रा पे किया ये बताना है, तो अमित ने जो एक्स्ट्रा पे किया वो यहाँ से तुमने अमित का खर्चा निकाल लिया, निकाल सकते हो तुम यहाँ से, फिर अमित का तो यहाँ से जो उसने पे किया वो निकाल सकते हो, चेक कर लो कितना परसेंट एक्स्ट्रा पे कर रहा है, अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा परसेंटेज का, मैं तो कहता हूँ परसेंट निकाल, निकालने का तो जरूरत ही नहीं है, हमें ये पता है कि ये निकल जाएगा हमारा सवाल, ठीक है, तो हमें सवाल में जब मालूम है कि निकल जाएगा तो ज्यादा दिमाग लगाने का क्या जरूरत है, सीधा सीधे निकाल के हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा तीनों सॉल्व हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अगला देखो आगे का सवाल क्या है तुम्हारा, ठीक है, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एट द रेट के लिए क्या लगाया है, ग्रेटर देन, ठीक है, एट के लिए क्या लगाया है, एंड के लिए क्या लगाया है, लेस देन, फिर क्या लगाया है, स्टार के लिए लगाया है, ग्रेटर इक्वल, फिर क्या लगाया है, डॉलर के लिए क्या लगाया है, लेस इक्वल, फिर हैश के लिए क्या लगाया है, इक्वल टू, और क्या कांट बी डिटरमाइंड, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, सेंड लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, सिंबॉलिक सवाल बनाना है, ठीक है, तो एग्जांपल भी दिए हुए हैं, एग्जांपल में तुम्हें दिए हुए हैं 200, 300 और 1000, अब चार पांच ऑप्शन है, तो तुम क्या चूज करोगे 200, 300 और 100 के लिए, तो 200 है, 300 है और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ये बड़ा और ये इधर से बड़ा हो जाएगा, ये वाला सिंबल किसको बताता है, हैज को बताता है, ये वाला सिंबल किसको बताता है, एट द रेट को, हमारा आंसर क्या हो गया, हैज एंड एट द रेट, ठीक है। इसी बेसिस पे हमको सवाल को सॉल्व करना है, तो देखो सवाल में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है। पहला सवाल क्या बोल रहा है तुम्हारा सवाल में, 30 में पहला क्वांटिटी तो दिए हुए, फर्स्ट क्वांटिटी उसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 19x प्लस में 84 बराबर में 0, जब तुम सॉल्व करोगे इसे तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो 12 और 7 में टूट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 -7, ठीक है, दो वैल्यू निकल के आ गए। सेकंड क्वांटिटी में आ जाओ, सेकंड क्वांटिटी क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में 42 बराबर में 0, इसमें क्या करोगे तुम, प्लस में 7 माइनस में 6 लोगे, ठीक है, हाँ, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -7 निकल के आ जाएगी और क्या निकल के आ जाएगी, +6, दो वैल्यू यहाँ से आ गई। तीसरा में आ जाओ तुम, तीसरा में जब तुम आओगे तो तीसरा दिए हुआ है z बराबर में √64, तो z की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी। अब तुम्हें इन तीनों क्वांटिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन जब तुम करोगे तो यहाँ पे तुम देखो -12 है और -7 है, ठीक है, और यहाँ पे पहले दूसरा से कंपेयर कर लो, -7 है +6 है, तो यहाँ पे -7 -7 एक बार बराबर हो सकता है, तो एक बार बराबर लगा दो, अब +6 जो है दोनों से ही बड़ा है, ठीक है, तो +6 से दोनों से बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा, सॉरी ग्रेटर देन का इधर सिंबल लगा, -7 जो है 12 से बड़ा है, ठीक है, -12 से बड़ा है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन, ये हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, कांट बी डिटरमाइंड वाला कंडीशन नहीं जा रहा, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो 8 है, 8 का वैल्यू इससे तुलना करोगे तुम तो इससे साफ साफ तुम्हें दिख रहा है 8 क्या है, बड़ा है, जब बड़ा है तुम्हारा वहां पे बड़ा लगा, जब बड़ा लग गया तुम्हारा तो ये देखो ये वाला सिंबल किसको बता रहा है तुम्हारा, ये वाला सिंबल बता रहा है तुम्हारा डॉलर को, तो तुम्हारा एक क्या हो गया, डॉलर हो गया। अब ये वाला सिंबल जो है बता रहा है किसको, एंड को, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो गया, डॉलर है एंड ऑप्शन नंबर क्या, 1, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है तुम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे देखो अगला, अगला में देखो क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर सवाल में
A conical tent of 14 feet high and 24 feet made using a canvas which cost 3 per square feet. Find the cost of canvas. एक conical canvas बना रहा है, canvas बनाने का खर्च निकालते हैं हम लोग कैसे curved surface area के according, क्योंकि क्या होता है pi r l होता है. डायमीटर 14 दिए हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा रेडियस. हाइट कितना दिए हुआ है हमारा, हाइट दिए हुआ है 24. जब हम लोग एल निकालेंगे तो तुम्हें थोड़ा सा भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा एल का मान कितना होगा 25. अगर नहीं याद है तो ऐसे निकाल लो 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर निकल के कितना आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा. अब हमें कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट. कॉस्ट कैसे निकलेगा, सबसे पहले एरिया जो कि होता है पाई इंटू आर इंटू एल, और कॉस्ट जो दिए हुआ है वो दिए हुआ है कितना 3. ठीक है, 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, 66 इंटू यहाँ करोगे तो 1650 मिलेगा तुम्हारा. ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी कितना निकल के आ गया हमारा 1650 निकल के. सेकंड क्वांटिटी मान लो, सेकंड क्वांटिटी देखो क्या बोल रहा है. 1 मीटर पाथ इज मेड अराउंड अ पार्क ऑफ डायमेंशन 30 इंटू 16. ठीक है, एक पार्क है जो कि जिसकी डायमेंशन है 30 × 16. ठीक है, इसमें 1 मीटर चौड़ा एक पाथ बनाया जाता है. इसी पाथ का जो है तुम्हें से क्या निकालने के लिए 1 मीटर चौड़ा. ठीक है, इसी पाथ का तुम्हें क्या निकालने बोला है, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द पाथ एट 15 पर मीटर स्क्वायर, 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट निकालना है. यहाँ देखो जब 30 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 32, और यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 18. जब तुम 32 × 18 करोगे तो तुम क्या करोगे, 320 × 640 में 64 घटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 × 6 और 63 × 6 चला गया 3, तो यहाँ 576. ठीक है, यानी कि 32 × 18 जब तुमने किया तो ये हुआ तुम्हारा 576 माइनस में 30 × 6 जब करोगे तुम 16 करोगे ये तुम्हारा होगा 480. ठीक है, घटा दो 70 और 20 यानी कि कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा. अब तुमसे इसी का कॉस्टिंग पूछा था तो 96 गुने में 15 कर दो. ठीक है, तो 960 और 480 ऐड कर देंगे जब तो 0, 8, 6, 14, 9, 10, 4, 14, 1440 हमारा कॉस्टिंग निकल जाएगा. तो 960 480 क्या है, 96 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 960 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आधा करके वो सुंदर बैठा दो, 96 का था 48 जीरो बैठा दिया 1440 सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू निकल गई. तो फर्स्ट सेकंड में क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन का सिंबल है, यानी एक तो हमारा हो गया एट द रेट. ठीक है, एक क्या हो गया तुम्हारा एट द रेट हो गया. ठीक है, आगे देखो आगे तुम्हारा क्या दे रखा है, एट द रेट वाला कहानी. अब तुम थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो तुम देखो ऑप्शन में एट द रेट का तुम्हारे पास फर्स्ट में एट द रेट का एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी. तो क्वांटिटी 3 सॉल्व करने से क्या ही मतलब है. ठीक है, ज्यादा सवाल में ना उतना जरूरी नहीं होता कि हर एक पॉइंट को तुमको सॉल्व करना जरूरी है, डायरेक्ट तुम उसका आंसर निकाल दो. ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा इस तरीके से निकल गया. चलो अगला देखते हैं. नेक्स्ट देखो क्या बोला, नेक्स्ट ये एक सीरीज है. ठीक है, 45 49 पहला क्वांटिटी में क्या है तुम्हारा, पहला में दिए हुआ है 45 दिए हुआ है, 49 दिए हुआ है, 40 दिए हुआ है, 56 दिए हुआ है, 31 दिए हुआ है. x है, इसी x का वैल्यू निकालना है. 45 से 49 में देखो 4 का कमी यहाँ पे, सॉरी 4 का एडिशन यहाँ पे क्या हुआ 9 का कमी. 4 के लिए क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस में किया 3 का स्क्वायर. ठीक है, प्लस किया. अब यहाँ से यहाँ देखो प्लस में क्या किया तुमने 16, यानी कि क्या हो गया प्लस में 4 का स्क्वायर. 56 से यहाँ जब तुम करोगे तो यहाँ देखो तुम यहाँ क्या कर रहे हो 5, 25 घटा रहे हो. ठीक है, यानी क्या हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर. तो अगला जब तुम करोगे तो क्या करोगे 6 का स्क्वायर तुम जोड़ दोगे तो 31 में जब तुम 36 जोड़ोगे तो ये तुम्हें क्या दे देगा 67, जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स का वैल्यू. पहला क्वांटिटी हमारा निकल गया. ठीक है, सेकंड क्वांटिटी में आ जाओ. सेकंड क्वांटिटी तुम्हारा क्या दे रखा है, सेकंड में देखो तो क्या है बोल रहा है वाई का वैल्यू निकालने के लिए. वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, 8 है हमारा दिए हुए. ठीक है, 8 है तुम्हारा दिए हुए, फिर क्या दिए हुए 24 दिए हुए है, फिर क्या है 12 है, फिर क्या है 36 है, फिर क्या है तुम्हारा 18, फिर 54 और फिर क्या दिए हुए है वाई दिए हुए. ठीक है, फिर यहाँ पे तुम देखो 8 में तुम क्या कर रहे हो 3 गुना कर रहे हो, 24 में 12 लाने के लिए क्या कर रहे हो डिवाइडेड बाई 2, 12 से 36 फिर 3 गुना कर रहे हो, 36 से 18 क्या कर रहे हो डिवाइडेड बाई 2, 18 से 54 फिर क्या कर रहे हो गुना 3 कर रहे हो और डिवाइडेड बाई 2 जब करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 में तुम्हें क्या मिल जाएगा y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 27 निकल के आ जाएगी. अब चेक कर लो कि क्या हो रहा है 67 बारा 27 क्या कंडीशन गया, पहला हमारा चला गया एट द रेट. ठीक है, पहला जब एट द रेट चला गया तुम्हारा तो एट द रेट वाला तुम्हारे पास दो ऑप्शन है जो कि क्या है c और d नंबर है. ठीक है,
अब आ जाओ तुम तीसरा, तुम्हें यहाँ पे चेक करना होगा। तीसरा में तुम देखो तो क्या कर रहे हो, थर्ड क्वांटिटी में 13 है, 13 से 24, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, गुना 2 और माइनस 2 किया, 24 के बाद क्या है तुम्हारा 14, 24 से 14 जब तुम करोगे तो 24 में तुम डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना हो गया तुम्हारा 12, और फिर तुम क्या कर दो, 2 जोड़ दो 14 आगे, ठीक है, 14 से आगे बढ़ोगे यहाँ पे जेड है तुम्हारा, जेड में जब तुम देखोगे तो जेड में फिर वही करो उल्टा पे अल्टरनेट पैटर्न, 14 दुना 28 में 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 26, ठीक है। अब इसे ना एक बार आगे चेक कर लेना कि आगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, आगे जो पैटर्न जाएगा वो हमारा डिवाइड कर देगा, 26 में 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड कर देंगे 15, जेड के बाद हमारा 15 है, यानी जेड की वैल्यू क्या निकल के आएगी 26। अगर 27 से तुम कंपेरिजन करोगे 27 हमारा 26 छोटा, फिर से हमारा एट द रेट आ गया और हमारा ऑप्शन हो गया एट द रेट और एट द रेट वाला साथ में, ठीक है। तो ये भी सवाल हमारा क्लियर हो गया, आगे देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखो हम लोग का क्या बोल रहा है, कि बोट ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड जो है वो दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। हम लोग जानते हैं स्टिल वाटर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से, और स्पीड ऑफ स्ट्रेस को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, वाई से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। आगे देखो अगला आपके पार्ट में क्या दे रखा है तुम्हारा सवाल, आगे क्या बोल रखा है, फिर बोल रहा है द टोटल टाइम टेकन 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न सेम डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर, 12.5 होगा, 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में जो कि x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 20, और 120 किलोमीटर वापस आने में जो कि क्या है 20 प्लस 5, कितना हो जाएगा तुम्हारा 12.5 घंटे, ठीक है, कितने हो गए 12.5 घंटे। अब पहला बोल रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी यही y का वैल्यू निकल, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन है नहीं, इस सवाल के लिए लिटरली तुम्हें यही बताया जाता है कि इसको ऑप्शन से बनाना होता है, ठीक है, लेकिन देखो इसमें ना थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ ज्यादा लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक जाने से बच सकते हो, कैसे, अगर तुम यहाँ पे इसका 1, 2, 3, 4 वैल्यू सोच लो अगर थोड़ा सा नजदीक जाके तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 20 प्लस 1 करेंगे और यहाँ 20 माइनस 1 करेंगे, क्या ये कटेगा, ये तो डेफिनेट है कि कटना ही है क्योंकि 0.5 उधर में टाइम दिया हुआ है, एक पूरा कटेगा एक तुम्हारा क्या हो जाएगा थोड़ा सा कटेगा या 0.5 में आ जाएगा, ठीक है, तो 1 तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, 2 में आ जाओ, 22 करोगे नीचे 11, यहाँ पे करोगे 18, नीचे 9 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा हमारा, 3 में आ जाओ, ये 23 साफ दिख रहा है तुम्हें नहीं कटेगा, नीचे डिनोमिनेटर बच जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा, 24 में आओ, 24 में जब आओगे तो 20 प्लस 4 क्या होगा 24, अच्छा 24 यहाँ पे कट जाएगा तो आसानी से 0.5 देके कट जाएगा, ठीक है, 20 माइनस तुम 4 करोगे तो तुम्हारा 16, ये भी तुम्हारा पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो कहाँ पूरा पूरी कट रहा है, कहाँ डेसिमल, एक बार चेक करके देख लो, यहाँ करो 16 और 120 बटे में क्या कर दो 24, तब जब वाई बराबर तुमने कितना लिया 4 लिया, ठीक है, तो 4 से काट दोगे 4 बार में, 4 से कट जाएगा 30 बार में, यानी कि 2 से 2 और यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो गया 7.5। अब यहाँ से 24 से देखो, 24 से काट दो ये 5 बार में कट गया, यहाँ पे 5 हो गया, 7.5 और 5 कितना हो गया 12.5 सेटिस्फाई हो गया, वाई का वैल्यू कितना निकल गया आसानी से, कोई निकल गया। अब क्वाड्रेटिक लेके जाओ, थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक बार जाके देख लेना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो अगला क्या बोला, वैल्यू ऑफ m वेयर m इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बटे में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम वाटर कितना है 20 है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना निकल के आया 4, 4 से काट दो 5 बार में, सेकंड क्वांटिटी कितनी निकल के आ गई 5, फर्स्ट क्वांटिटी कितनी निकल के आ गई 4, तो 4 और 5 में जब तुम देखोगे तो सबसे जो हमें कौन बड़ा दिख रहा है क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 जब बड़ा है हमारा तो कौन सा सिंबल जाएगा हमारा, सबसे पहले एंड का सिंबल जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे तुम नजर डालोगे तो एंड का एक ही सिंबल तुम्हारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आगे करने समय क्या ही मतलब है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा थर्ड स्टेटमेंट में देखना, थर्ड स्टेटमेंट में थोड़ा क्लियर करा देता हूँ कि कुछ बच्चों को वहां पे अगर कंफ्यूजन हो रहा तो मैं दूर कर देता हूँ। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 80 किलोमीटर इन द फॉलोइंग रिवर, 80 किलोमीटर जाने में फॉलोइंग रिवर में बताना है, ठीक है, फ्लोइंग रिवर है, फ्लोइंग रिवर कहने का मतलब क्या हो गया, बहती पानी में, ठीक है, बहती पानी में या तो वो इधर डाउनस्ट्रीम जा सकता है या वो अपस्ट्रीम जा सकता है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो इस सवाल में तुम्हें दोनों में चेक करना होगा और उसके बाद रिलेशन एस्टैब्लिश कराना होगा, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग का क्या बोल रहा है 34 नंबर सवाल देखते हैं। थर्टी फोर में देखो क्या दे रखा है, बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड सन इज 28 ईयर, फादर
मदर एंड सन का एवरेज एज जो है 28 है, तो सम क्या हो जाएगा 28 × 3 60 और 24 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सवाल में तुम्हारा, आगे देखो क्या बोल रहा है। फादर इज 5 times एज ओल्ड एज सन, 4 years ओल्डर देन मदर, मदर से क्या है 4 साल बड़ा है। सबको क्या करो सन में चेंज कर दो, फादर इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो 5s लिख सकते हो, मदर इज इक्वल टू क्या लिखाएगा f-4 लिखाएगा, जो कि f बराबर में 5s है माइनस में 4 और s तो s है ही, हमारा 84 हो गया। 4 उधर चला जाएगा 88, 5 + 5 = 10 और ये कितना 11, s का मान निकल के आ गया कितना 8, s जब 8 आ जाएगा तो फादर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फादर 40 हो गया तो मदर कितना निकल के आ जाएगा 36 निकल के आ जाएगा। ये हमारा डेटा यहाँ से जो है ये 3 डेटा निकल के आ गया। अब पहला क्वांटिटी देखो क्या हमारा डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सन एंड मदर, पहला क्वांटिटी में सन और मदर का एज का अंतर, मदर 36 सन 8 जब चला जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा 28, पहला क्वांटिटी निकल गया। सेकंड क्वांटिटी देखो, सेकंड क्वांटिटी क्या बोला था, एज ऑफ फादर व्हेन सन वाज बॉर्न, जब सन का जन्म हुआ फादर का उम्र बताना है, तो सन अभी 8 साल का है, 8 साल पहले जन्म लिया होगा तो फादर का उम्र क्या हो जाएगा 40 - 8 कितना हो जाएगा 32। अब थोड़ा चेक कर लो ऑप्शन कौन हो रहा है, सेकंड क्वांटिटी वाला क्या होगा एंड होगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या तुम्हें दिख रहा है एंड दिख रहा है, दो ऑप्शन है, तीसरा चेक कर लो, तीसरा तुम्हें निकालना होगा, तीसरा में जब तुम आओगे तो तीसरा में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच द फादर वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर बताना है, जब फादर जो होगा बेटे का दोगुना होगा कितने साल के बाद, तो पिताजी अभी 40 है x साल के बाद, तो x साल बेटा भी बढ़ेगा, x साल बेटा भी बढ़ा दिया और क्या हो जाएंगे दोगुने हो जाएंगे, तो 40 प्लस में x बराबर में 8 × 16 प्लस में कितना 2x। ठीक है, 2x में x चला जाएगा, x 40 में तुम घटा दोगे तो ये हो जाएगा 24, 24 जब हो गया तुम्हारा तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा 24 × 6 = 30। ठीक है, x का निकल के आ गया 12, x बराबर में कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी x निकल के आ गया 24 तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, x बराबर में कितना हो गया 24 हो गया, ये हमारा 24 हो गया, तीसरी क्वांटिटी में कितने निकल के आ गए 24, तो सबसे पहले तो हमारा एंड था ही। ठीक है, एंड जब हो गया तो हमारा क्या है 32 और 24 में देखो कौन बड़ा है, 32 बड़ा है, 32 जब बड़ा है तो क्या चला जाएगा हमारा एंड के साथ एट द रेट चला जाएगा, यानी कि क्या हो गया हमारा आंसर एंड और एट द रेट वाला, एंड और एट द रेट में हमारा कौन सा है ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है और ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल, लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, लास्ट सवाल हम लोग का क्या है, चलो लास्ट सवाल देखो क्या है, हार्दिक एंड कृणाल आर टू सिबलिंग्स, हार्दिक इन्वेस्टेड पी फॉर 2 years, पी रुपीज इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए 10% कंपाउंडेड एनुअल। ठीक है, पी प्लस 4000 इन्वेस्ट करता है 15% पे, ये भी 2 साल के लिए। ठीक है, बोल रहा है तुमसे वैल्यू निकालने के लिए कितना पी माइनस 4000 का, कितना का वैल्यू निकालना है पी माइनस 4000 का, क्या दिए हुए है, इफ कृणाल वोट 3315 मोर, कृणाल को 3315 मोर मिलता है किससे, हार्दिक से, हार्दिक से जो है वो क्या मिलता है 3314 अधिक मिलता है पी है, ये है हमारा हार्दिक के लिए और फिर ये है क्या तुम्हारा कृणाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या है, जब इतना अधिक मिलता है तो तुम्हें मालूम है कि सीधा सीधे अधिक कब मिलेगा, इंटरेस्ट से मिलेगा, इंटरेस्ट का अंतर दिए हुए। अब चूंकि बात 2 साल की ही की हुई है तो 2 साल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट लगाने के आराम से सक्सेसिव लगा सकते हैं, तो सक्सेसिव जब लगाएंगे तो 10% के सक्सेसिव हमें क्या देगा 21 देगा, यानी कि इस पे जो इंटरेस्ट मिला पी का 21% मिला। यहाँ पे 15% का जब तुम सक्सेसिव लगाओगे तो 32 पॉइंट में क्या देगा तुम्हें 25 देगा, 15 × 30 और 225, ठीक है 2.5 देगा, यानी कि पी प्लस 4000 का तुम्हें क्या निकालना है 32 पॉइंट में 25% निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर दो, पी का 32 और पी का 21 जब तुम घटा दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कितना 10 और 1 11, पी गुने में 11.25 बटे में कितना 100 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर में तो ये है ही हमारा, बराबर में कर दो 3315 माइनस में 4000 है हमारा गुना में 3225 बटे में कितना 100 और नीचे में 100 चूंकि यहाँ से ये डेसिमल हटेगा। ठीक है, अब तुम यहाँ से देखो 3 0 और 1 2 3 0 यहाँ से तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसे सॉल्व कर लो, वीडियो रिकॉर्ड में लंबा नहीं करूंगा, सॉल्व जब करो ऐसे नॉमिनल तुम भी वही करोगे मैं भी वही करूंगा, सॉल्व करने के बाद तुम्हें पी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी तुम्हारी 18000 निकल के आएगी
18,000 जब निकल गई तो P माइनस तुम्हारा क्या निकल रहा है 4,000 निकल रहा है, 18,000 माइनस 4,000 करोगे तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा 14,000 निकल जाएगा, और ये हमारा आंसर है सी नंबर ऑप्शन 14,000। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला सीरीज जो पहला सेट जो है समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक भी करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, पूरा जहां तक हो सके आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें। इस वीडियो को सिर्फ आपको खुद देख के समझना है और शेयर करना है, कमेंट बॉक्स इनेबल्ड है, जिनको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हुई, हम लोग हर एक कमेंट को देखेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।